महाराणा काल में गणगौर की सवारी का दृश्य। हमारे देश में त्योहार समय अनुसार मनाए जाते हैं। उदयपुर के लोग राजाओं महाराजाओं के काल से ही उत्सव जल से बड़े धूमधाम से मनाते आए हैं। उन्हीं त्योहारों में से एक है गणगौर। गणगौर का त्योहार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तीज पर आता है। 18वीं शताब्दी अर्थात महाराणा सज्जन सिंह जी के काल में गणगौर के इस त्योहार का विस्तृत वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। नवीन वर्ष आरंभ होते ही सभी ज्योतिष गण उत्तम वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर महाराणा की सेवा में उपस्थित होते हैं तथा शुभ कामनाओं के साथ महाराणा को नवीन पंचांग भेंट करते हैं। गणगौर इसके अगले दिन मनाया जाता है। गणगौर के दिन सभी स्त्रियां सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर बाग बावड़िया में जाती है। महाराणा के आदेश पर राज्य भर में जश्न होता है। ये जश्न किसी धूमधाम से कम नहीं होता। दिन के ठीक 3 बजे पहला नगाड़ा बजता है, उसके बाद दूसरा और फिर तीसरे नफर महाराणा घोड़े पर विराजमान होते हैं। एक लिंगड़ पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। बड़ी पौल से त्रिपोलिया घाट तक दोनों तरफ लकड़ी के बड़े खूंटे लगा दिए जाते हैं और उन पर रस्सियां बांध दी जाती है। इन खूंटों के आसपास पुलिस के जवान पहरा देते हैं। इन पर बांधी गई रस्सी के भीतर राजकीय अधिकारियों के अलावा अन्य व्यक्ति नहीं आ सकता है। जब महाराणा की सवारी महल से रवाना होती है तब सवारी के बाद सबसे आगे मेवाड़ के राजकीय निशान से चिन्हित हाथी चलते हैं। उनके पीछे के हाथियों पर सरदार, पासवान और अन्य अधिकारी होते हैं। सवारी में जंगी घुड़सवारों के साथ साथ कांग्रेस अफसर भी शरीक होते हैं। विदेशी बाजरा बजता हुआ निकलता है और उसके पीछे निकलते हैं सोने चांदी के हौदे जो खास हाथी पर कसे हुए होते हैं। इसके साथ ही राज्य के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, उमराव, सरदार और चारण घोड़ों पर आते हैं। इस कारवां के पीछे जरी व सोने चांदी से सुसज्जित घोड़े रहते हैं। महाराणा की सवारी का दृश्य कुछ इस प्रकार होता है। मधुर सुरीला बाजा बजता रहता है, उसके पीछे महाराणा अच्छी पोशाक, अमर शाही, आरसी शाही और स्वरूप शाही पगड़ियों में से एक किस्म की पगड़ी, जामा और नाना प्रकार के हीरे मोतियों के आभूषणों को धारण किए और कमरबंद व ढाल लगाए हुए घोड़े पर विद्यमान रहते हैं। महाराणा के पीछे दूसरे सरदार, जागीरदार, पासवान व जंगी सैनिक रहते हैं और सबसे पीछे हाथी चलते हैं। सवारी के दोनों तरफ छड़ीदारों की बुलंद आवाज और आगे वीरता के दोहों का गायन करने वाले ढोलियों की आवाजें सवारी के आनंद को दोगुना कर देती है। इसी ठाट बाट के साथ महाराणा धीरे धीरे त्रिपोलिया घाट पर पहुंचते हैं और वे घोड़े से उतरकर नाव पर सवार होते हैं। इनमें से एक नाव के ऊंचे गोखड़े पर लगभग 2 फुट ऊंचा सिंहासन रहता है। उस पर 4 खंभों वाली लकड़ी की एक छतरी होती है। सिंहासन और छतरी जरदोजी और जरी से सुशोभित होती है। सिंहासन के चारों तरफ नीचे के तख्तों पर शानदार पोशाकों व गहनों से सजित सरदार, चारण व पासवान अपने दर्जे के मुताबिक बैठते हैं और कितने ही अन्य लोग आसपास खड़े रहते हैं। महाराणा के पद के नीचे के सभ्य गण उसी के समीप जुड़ी हुई नाव में सवार होते हैं। नाव की सवारी धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बढ़ती है और बड़ी पाल तक जाने के बाद फिर लौट कर त्रिपोलिया घाट पर आती है। दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए आतिशबाजी चलाने का हुक्म दिया जाता है। तालाब के किनारों तथा कश्तियों पर से तरह तरह की रंग बिरंगी आतिशबाजियां होती है। ये सब देखने में बहुत आनंद आता है। इस अवसर पर बहुत से लोग सवारी को देखने दूर दूर से आते हैं, क्योंकि उदयपुर के गणगौर के जलसे की दूसरे राजपूतानों में बड़ी तारीफ होती है। तालाब के किनारे देखने वाले लोगों की बड़ी भीड़ रहती है, इतनी की भीतर घुसना भी बहुत कठिन हो जाता है। इसके बाद महल से गणगौर माता की सवारी निकलती है, जिसके साथ नाना प्रकार की सुंदर पोशाकों और सोने चांदी के गहनों से सुसज्जित दासियों के झुंड साथ चलते हैं। एक स्त्री के सिर पर लगभग 3 फुट ऊंची सोने चांदी के गहनों से शोभायमान लकड़ी की बनी हुई गणगौर माता की मूर्ति रखी होती है। सवारी के आगे और पीछे सवारी के लाजमी हाथी घोड़ों पर पंडित व ज्योतिष लोग विद्यमान रहते हैं। त्रिपोलिया घाट पर सवारी के पहुंचते ही महाराणा अपने सिंहासन से खड़े होकर गणगौर माता को प्रणाम करते हैं। फिर गणगौर माता को फर्श युक्त वेदिका पर रखकर पंडित व ज्योतिषी लोग पूजन करके महाराणा साहेब को पुनः देते हैं। इसके बाद दासियां गणगौर माता के दोनों तरफ बराबर खड़े होकर प्रणाम के तौर पर झुकती हुई लहुरे एक तरह का गाना गाती है। यह जलसा देखने लायक होता है। यहाँ राज्य में लकड़ी की बनी गणगौर की बड़ी मूर्ति के अलावा मिट्टी की बनी हुई गणगौर और दूसरे भगवानों की छोटी मूर्तियाँ भी देखी जा सकती है। बाकी शहर में दूसरे भगवान और गणगौर की मूर्तियाँ साथ ही निकाली जाती है। राजपूताना की कुल रियासतों में इस त्योहार को एक बड़े उत्सव के तौर पर मनाया जाता है।
इस देश में ऐसी कहावत है कि दशहरा राजपूतों के लिए और गणगौर स्त्रियों के लिए बड़ा त्योहार है। यहाँ महादेव को ईश्वर और पार्वती को गणगौर कहते हैं। फिर गणगौर माता को जिस तरह जल उसके साथ लाते हैं, उसी तरह फिर से महल में पहुँचाया जाता है। इसके बाद उसी फर्श पर दासियों द्वारा घूमर नृत्य और गाना बजाना होता है। रेजी डेंट लोग भी नावों में सवार होकर इस जलसे को देखने के लिए आते हैं। आखिर में महाराणा रूप घाट पर नाव से उतर कर तामजान में सवार हो महल में पधार जाते हैं, जहां कीमती गलीचे, मखमल का फर्श, जरदोजी के शामियाने व सोने चांदी से बने हुए सिंहासन व कुर्सियां इनका इंतजार कर रही होती है। और इस तरह यह जलसा पूरे 4 या उससे भी ज्यादा दिन के लिए इसी तरह चलता रहता है।